जेआईबी सीआईबी आईबीएफ के एग्जाम्स नहीं निकलने के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों हमारा जेआईबी और सीआईबी दोनों ही बैच जो है जूम लाइव वाले स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंस्टेंट डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर बात कर लें। 2500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, लॉन्गर वैलिडिटी मिल रही है और आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट यानी कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा है बुक का। उसके साथ साथ जो है जो ब्रीफ नोट्स के साथ जो एक क्विक क्लासेस होती हैं वो मिल रही हैं, आपको रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं और आपका जो इंटरैक्टिव मोड में जो क्लासेस हैं जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है आप देन एंड देयर पूछ सकते हैं। डिटेल्ड में स्टडी चल रही है, लास्ट ईयर के बैचेस के अच्छे रिजल्ट हमारे रहे हैं, तो आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपना जेआईबी सीआईबी पास कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते बताते हैं क्वेश्चनों के बारे में। हेलो दोस्तों नमस्कार। आईबीएफ के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लिया वो 20 लाइन का एक टॉपिक है, उस 20 लाइन के टॉपिक में मान लिया 10 पॉइंट हैं, तो आपको वो 10 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब वो क्या करते हैं कि उन 10 पॉइंटों में से 3 पॉइंट सही रख करके 1 पॉइंट को गलत रख के पूछते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, काफी पूछा जाता है। जिस कॉन्सेप्ट में पॉइंट कम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है विच इज करेक्ट, क्योंकि वो सही वाला लिख के बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत बना देते हैं। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिला के होता है। अगले क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं कि वो 4 स्टेटमेंट देते हैं या 5 स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। जैसे 5 स्टेटमेंट में है, जैसे पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये सारे सही हैं, या पहला दूसरा और पांचवा सही है, तो इस तरह के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर मतलब काफ़ी अच्छी समझ जिसको होती है उस बारे में, तभी वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। तीसरे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से इजी होते हैं, जिसमें डायरेक्ट पिन पॉइंट करके आंसर पूछा होता है कि जैसे इस चीज़ को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं या इसका रेट कितना हो सकता है। और चौथे टाइप के क्वेश्चन जो कि सीआईबी में आते हैं, न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर न्यूमेरल्स में देने होते हैं और जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी के भी आते हैं जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है या क्वेश्चन पूरा दिया होता है, उस पे बेस्ड एक से ज़्यादा क्वेश्चंस कभी कभी वो पूछ लेते हैं, तो उनको हम केस स्टडी का नाम देते हैं। अधिकतर केस स्टडी में जो है जैसे एचआर की बात करें तो वहाँ तो थ्योरी मिलेगी ज़्यादा, लेकिन स्टेट की बात करें या बीएफएम या एवीएम की बात करते हैं तो वहाँ पर केस स्टडी में भी कई बार वो न्यूमेरिकल्स के 5 क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ बेस्ड इन्फॉर्मेशन पर करवा लेता है। इन सभी तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने वो जो थ्योरी मटेरियल है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो, समझा हो और उसके फैक्ट आप याद रख पा रहे हो, तो ही आप इन सब तरह के क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों लग जाइए अपनी तैयारी में, चाहे जेआईबी हो या सीआईबी या आईबीएफ का कोई भी एग्जाम, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं तो आपका एग्जाम पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।